हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री एंगल वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। कैसे चेंज हो जाता है ये छोटा सिंपल ट्रिक है, अगर ये सीख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम करने बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम ये देख सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन का जो ये वैल्यू होता है 0 रेडियन पाई बाई टू पाई 3π/2, फिर जाएंगे 2π यानी 360, फिर 90 ऐड करेंगे तो 5π/2, फिर 90 ऐड करेंगे तो 3π, फिर 90 ऐड करेंगे तो 7π/2, फिर 2π। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, फोर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट वन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी साइन के रेशियो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सब पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। समझा गए दोस्तों? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। तो होते देखिए दोस्तों, कुछ भी थीटा का वैल्यू, अब 90 में अगर माइनस थीटा करेंगे, माइनस में 90 में से कुछ निकाल देंगे तो क्या आएगा? पाई बाई टू माइनस थीटा, यही साइड आएगा। अगर वही 90 में कुछ प्लस करेंगे तो 5/2 प्लस थीटा। सिमिलरली पाई में कुछ माइनस करेंगे तो, पाई में कुछ प्लस करेंगे तो, 3π/2 में कुछ माइनस करेंगे तो इधर आएगा, 3π/2 में कुछ प्लस करेंगे तो 2π में कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ पे। सर मैंने क्या किया, बस एक एंगल था 90 डिग्री, उसमें कुछ हम प्लस करने से ऐसा जाएगा, कुछ माइनस करने से पीछे जाएगा। इसी तरह हमने 2π प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों एक दो केस आता है, टू केसेस आते हैं। केस वन में क्या होता है, अगर एंगल ये जो है एंगल्स n π/2 प्लस आर माइनस थीटा में रहेगा, n π/2 प्लस आर माइनस थीटा रहेगा तो साइन किस में चेंज होएगा? कॉस में, और कॉस किस में चेंज होएगा? साइन में। टैन किस में चेंज होएगा? कॉट में, और कॉट किस में चेंज होएगा? टैन में। कोसेक चेंज होएगा? सेक में, और सेक चेंज होएगा? कोसेक में। सेकंड केस n π ± θ, जब होता है n π/2 ± θ से जो ये वैल्यू ये हो गया, ये हो गया, और n π + θ मतलब, तो इसमें क्या होगा, कोई भी वैल्यू नो चेंज, जैसा है उसी तरह आ जाएगा। कुछ करते प्रॉब्लम्स समझ आ जाएगा आपको। जैसे कि मैं बोलूँगा साइन ऑफ 2π + θ, 2π + θ सबसे पहले देखिए कौन सा केस है, 2π + θ। सेकंड केस तो साइन चेंज होएगा, साइन थीटा आएगा। अभी देखना है जो ए जो है वो कौन सा कोऑर्डिनेट, 2π + θ, 2π + θ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइन की वैल्यू क्या पॉजिटिव, सही है। वही जगह मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2π - θ, साइन ऑफ 2π - θ फर्स्ट केस तो नो चेंज, साइन थीटा आ जाएगा। फिर देखेंगे एंगल 2π - θ फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या है, नेगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट कौन कौन प्लस है, कॉस और सेक की पॉजिटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव। तो दोस्तों और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा साइन ऑफ 3π/2 + θ, साइन ऑफ 3π/2 + θ, 3π/2 फर्स्ट केस साइन किस में चेंज होएगा, कॉस थीटा में होएगा। चेक कर रही है एंगल कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, 3π/2 + θ, 3π/2 + θ फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट साइन क्या है, नेगेटिव। नेक्स्ट tan π/2 - θ, tan π/2 - θ तो ये ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि ये कौन सा सेकंड केस में, और π/2 + π/2 - θ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव है। नेक्स्ट आता है sec π/2 + θ, sec π/2 + θ सेकंड चेंज होगा कोसेकंड में, कोसेकंड थीटा में, और π/2 + θ, π/2 + θ सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो इस नेगेटिव आता है। तो होप दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स समझ में आएगा, डिफरेंट डिफरेंट चेंज में कहाँ चेंज करना है साइन को कॉस में। दो केस मैंने पढ़ा हुआ, तो केस याद रख लीजिए, ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। जब तक ये नहीं करेंगे आपको आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो होप दोस्तों आपको सबको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।